कौन पाकिस्तान प्रधानमंत्री करे भारत नुआ संसद भवन उद्घाटन कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण कले प्रश्न कांग्रेस दल को कार्यक्रम बहिष्कार करने निष्पत्ति पुनर्विचार करने को अनुरोध नुआ निर्माण करा भारतर संसद उद्घाटन आगामी 28 तारीख में होगाक जाउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैदिक रीतिनीति और पूजार्चना अनुसार यार उद्घाटन करने को कांग्रेस और अन्य किछि विरोधी दल राष्ट्रपति द्वारा यार उद्घाटन करा दाबी रे एही उद्घाटन कार्यक्रम को बहिष्कार करने को घोषणा कर सारी तेबे कांग्रेस दलर यह कार्यक्रम को बहिष्कार करने निष्पत्ति नहीं दल में विरोध स्वर उठला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण दलर यह निष्पत्ति खोलाखोली भावे विरोध करुवा देखा मिली। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण विरोधी दल मान द्वारा नुआ संसद भवन बहिष्कार करा निष्पत्ति विरोध करने विरोधी दल माने निष्पत्ति पुनर्विचार करने उचित बोली अनुरोध करिछन्ति। कांग्रेस समेत अन्य किछि विरोधी दल मान द्वारा नुआ संसद भवन उद्घाटन समारोह को बहिष्कार करा संपर्क में घोषणा करा परे आचार्य प्रमोद कृष्ण यह वक्तव्य देछन्ति। से कहिछन्ति जे आम समस्त देश आगे हेबा उचित राजनीति पछे हेबा उचित। आचार्य प्रमोद कृष्ण यह मामलें दलय आभिमुख्य ठारु भिन्न मत पोषण करिछन्ते। विरोधी दल मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति गुड़िक विरोध करिबार संपूर्ण अधिकार रही। संपूर्ण देश को विरोध करिबा आदो उचित नुहे। से कहिछन्ते जे संसद संपूर्ण देशर कौनसी गोटे राजनैतिक दलर नुहे तेणु संसद उद्घाटन समारोह को आदो बयकट करा उचित नुहे। आचार्य प्रमोद कृष्ण आहुरी कहिछन्ते जे विरोधी दल मान को प्रधानमंत्री पद उपरे प्रश्न उठाइबा उचित नुहे कारण यह कौनसी एक पार्टी नुहे बरंग प्रधानमंत्री संपूर्ण देशर। एठारे उल्लेख करा जाई पारे जे आगामी 28 मे नूतन संसद भवन शुभ उद्घाटन होगाक जाउछि। 28 मे होउछि स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जयंती। एहाकु नै मध्य कांग्रेस आपत्ति व्यक्त करिछन्ति। कांग्रेस नेता रशीद आलवी कहिछन्ति जे नूतन संसद भवन को गांधी जयंती रे काहेकि लोकार्पण करा जाउ नाही। नूतन संसद भवन लोकार्पण पर स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जयंती को काहेकि बछागला बोली से प्रश्न करिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।